जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोर एक दोनों के साथ शादी होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आपने कहा बहुत सारे सोशल मीडिया पे सुना होगा कि बागेश्वर धाम उर्फ मतलब धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोर एक दूसरे से शादी करने वाले हैं और कर भी रहे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक में आज बात करने वाला हूँ, आप लोगों को सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा कि इतने ज़्यादा अफवाहें को सुनते हुए आप लोग किस तरीके से किसी ऊपर विश्वास कर रहे हो, मैं सारा पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने पहले हमारे चैनल को लाइक जरूर करके जाना दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। या दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे YouTube पे देखा होगा, अलग अलग सोशल मीडियाओं पे देखा होगा, वो फोटोज बनाया जा रहा है कुछ और वीडियो बनाया जा रहा है, कट फिट करके कुछ वीडियो को ला के कटा के शॉर्ट की वीडियो अपलोड करेगी। बागेश्वर धाम सरकार जय किशोर के साथ शादी कर ली है और जल्दी होने वाली है, उनका डेट फिक्स हो गया। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है, सब गलत अफवाहें हैं। आप लोग गलत अफवाहें कि आप लोग बीच में ना पड़ो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक दूसरे को लोग दुल्हन के और दुल्हा के रूप में नहीं जानते और ना ही करना चाहते, क्योंकि आप लोगों को पता है वो लोग कितने ज़्यादा अच्छे से कथा और काफ़ी ज़्यादा प्रवचन करते हैं, तो लोग एक दूसरे के सिस्टर और भाई बहन मानते हैं। हाँ जी, कि माना मैं बता देना चाहता हूँ, वो लोग शादी करेंगे बट जया किशोरी और धीरेन्द्र शास्त्री एक दूसरे से शादी नहीं करने वाले, वो लोग अलग अलग दूसरे पर्सन से शादी करेंगे। उनकी जब समय आएगा, कब नहीं आएगा, मैं आप लोगों को उसका भी अपडेट डाल दूंगा कि वो लोग किससे शादी करने वाले हैं और कब शादी होगी। बट आप लोग ये गलत अफवाह मत रहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, ये सब गलत अफवाहें से आप लोग दूर रहें। और हमारे ऐसी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों, ऐसे ही बागेश्वर धाम की सरकार की अपडेट मैं आप लोगों को लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतने, जय हिंद जय भारत।